नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दो महीने से गली का निर्माण लटका अधर में, नगर पालिका व जन स्वास्थ्य विभाग के बीच में पीस रहे हैं वार्डवासी। पार्षद के खिलाफ गुस्सा फूटा। आप देख रहे हैं पल पल कालावाली से विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि गली नीम वाली वार्ड नंबर 11 के लोगों ने आज दो महीने से लटक रहे निर्माण कार्य को लेकर के नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गलीवासियों का कहना है कि गली के पिछले वाले हिस्से में पिछले कई दिनों से पानी सप्लाई की दिक्कत आ रही है। पाइप छोटी होने के कारण गली के अंतिम हिस्से में पानी नहीं पहुंच पाता। गली वालियों ने समस्या को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और समस्या का हल करने के लिए उनको बताया भी, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पाइप को डाल दी गई है परंतु सारी गली उखाड़ दी गई है। वहीं नगर पालिका पिछले दो महीनों से गली का निर्माण लटका रही है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे पूर्व नगर पार्षद तोताराम जिंदल व मानव अधिकार मिशन के जिला सचिव कृष्ण जिंदल ने बताया कि बार बार कहने के बावजूद भी नगर पालिका व ठेकेदार द्वारा इस काम को लटकाया जा रहा है। हर रोज गली में कोई ना कोई दुर्घटना या हादसा होता रहता है। जगह जगह सीवरेज के ढक्कन खुले पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 11 के पार्षद व नगर पालिका के उपाध्यक्ष मनीष जिंदल का घर भी बिल्कुल पास में ही है, परंतु वह पिछले करीब एक साल से दिखाई भी नहीं दिए। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि वह चंडीगढ़ में रहते हैं, यहां उनकी समय सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस गली का निर्माण जल्द से जल्द करवा करके उन्हें राहत दी जाए। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित थे और गलीवासी भी। आप देख रहे हैं पल पल कालावाली से ये खास रिपोर्ट। की समस्या है? साड़ी जी गली दी मेन समस्या पानी दी ते गली तोड़न दी समस्या है जी। एक गली बनी नू 3 साल तो 3.5 साल हो गए है जो कि दोबारे तोड़ दी गई, वह भी बिना किसी कारण तो। पानी दी पाइप पौनी सी नाल वाली गली च पाती, साड़ी गली च कनैक्शन देना सी सानू, ना वो पाइप का कनैक्शन उधरों जोड़िया गया, ना वो पाइप का कनैक्शन परले पासों जोड़िया गया। इस थां ते पाइप गली तोड़ के पाइप पाती जिहदा कोई फायदा नहीं होता। आपका क्या कहना है इस समस्या के बारे में? ये इन हमारे जो समस्या है वो सिर्फ बिल्कुल जायज़ है। दो महीने से गली को तोड़ कर रख दिया गया है और मतलब इनका ना जो गली का टेंडर था वो सिर्फ रिपेयर का टेंडर था 2,42,000 रुपये लगभग का, और इसको मतलब बिना मंजूरी के तोड़ा गया और अब सारी गली वाले परेशान हैं और मतलब इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो मतलब 11 नंबर वार्ड का एमसी है वो लगभग एक साल से लापता ही है। क्या नाम है एमसी का? मनीष जिंदल नाम है उसका, जो वाइस चेयरमैन है नगर पालिका का। वो मतलब लगभग एक साल से लापता है बिल्कुल। उसको जब भी फ़ोन करते हैं वो चंडीगढ़ उठता है और किसी आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती।